अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ हरियत से होंगे। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चाइनीज़ राइस। इसके लिए जो अक्सर चाहिए हमें वो ये हैं: बंद गोभी, मटर, शिमला मिर्च, गाजर, आलू, चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, चाइनीज़ नमक और एक छोटा सा प्याज और ये चावल। और सबसे पहले मैंने चूल्हे पर तेल डाल के रखा था, उसमें छोटा सा प्याज ऐड करूँगी। इसमें ज़्यादा प्याज नहीं जाएगा क्योंकि हम ये चाइनीज़ चावल बना रहे हैं। इसको ना ही ज़्यादा हमने ब्राउन करना है, हल्का सा ब्राउन करना है। ये हल्का सा हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है और अब इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, के बाद इसमें चिकन ऐड करूंगी। ये चाइनीज़ राइस और चिकन मंचूरियन जो मैं बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। चिकन मंचूरियन राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है, आप इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब ये मैं चिकन को अच्छे से फ्राई करूँगी। अब ये देखें, चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी गाजर, मटर, आलू, बंद गोभी, बस शिमला मिर्च लास्ट में जाएगी क्योंकि उसका बहुत जल्दी कलर चेंज हो जाता है और नरम पड़ जाती है। 2 टेबल स्पून चाइनीज़ नमक, 2 टेबल स्पून काली मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, विनेगर 2 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को ऐड करके थोड़ी देर मैं इनको भूनूंगी। इनको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। ये देखें, अब इसको मैं 5 मिनट के लिए भूनूंगी। और दूसरे चूल्हे पे मैंने चिकन मंचूरियन के लिए इस चिकन को तकरीबन फ्राई कर लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून काली मिर्च, सोया सॉस 1/2 टेबल स्पून, विनेगर 1/2 टेबल स्पून। ये सारे सॉसेस डाल के इसको बस मैं हल्का सा भूनूंगी। और अब इसमें ऐड करूंगी मैं केचप, केचप ऐड करके इसको मैं हल्का सा भूनूंगी। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और चाइनीज़ चावल के साथ इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब मैं इसको 2 मिनट और कुक करूंगी और ये तकरीबन तैयार हो चुका है। अब मैं दूसरे चूल्हे पे चावल का पानी उबाल करने के लिए रख दूंगी। ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है और बहुत ही स्पाइसी होती है। ये असल में चावल इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, बच्चों को और बूढ़ों को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और जिनको साथ में थोड़ा तीखा चाहिए होता है उसके लिए मैंने ये बनाया है। और इसके साथ मैं दही का रायता भी बनाऊंगी। ये दोनों चीज़ों के साथ इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और अब ये मेरा चिकन मंचूरियन बनकर तैयार हो चुका है। अब ये हमारे चावल जो उबालने के लिए रखे थे मैंने वो उबल गए हैं। और अब इनको मैं एक तह चावल की लगाऊंगी
और एक ये मसाले की, और इसको दम पर रख दूंगी। अब मैंने मसाले और चावल की तरह लगा दिया। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। चावलों को मैंने दम पे रखा था और ये देखें मेरे चावलों को दम आ चुका है, और अब इनको मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखें मैंने चावल को डिश आउट कर दिया है, और साथ में चिकन मंचूरियन और इसका मैंने रायता बनाया। ये इन दोनों चीज़ों के बाद दोनों चीज़ों के साथ बहुत ज़बरदस्त लगेगी। प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।